Hello guys, I'm Rajat Agarwal. Welcome to your own coding channel Codetricks made by you, made for those. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या होगी, सब थोड़ा सा प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से पढ़ रहा है ना चाह रहे। देखो यहाँ पे क्या था कि ना, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या था, कैरेक्टर नाम के जो वेक्टर गिवन है, कैरेक्टर नाम के जो वेक्टर गिवन है, इसमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं, इसी में चेंजेस परफॉर्म करने हैं, अलग से कोई वेक्टर नहीं बनाना है, इसी में चेंजेस परफॉर्म करने हैं। और चेंजेस परफॉर्म करने के बाद में जो इसकी न्यू साइज होगी, मतलब आपको ऐसी बात है ना, डिक्रीज साइज होगी, डिक्रीज साइज होगी, तो आपको डिक्रीज साइज रिटर्न करवानी है। जैसे पहले इसकी साइज थी 7, ठीक है, फिर आपने इसको नए कैरेक्टर वेक्टर में अपडेट किया और फिर वो बन चुका है वेक्टर ये वाला, ठीक है। तो इसकी साइज कितनी है, 6, तो आपको क्या रिटर्न करवाना है, 6। देखो यहाँ पे लास्ट में रिटर्न क्या, रिटर्न टाइप क्या है, बोला इंटीजर, तो आपको रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा, साइज। रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा, साइज। चेंजेस किस में करने हैं, इसी वेक्टर में करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये किससे इनिशियलाइज है, एड्रेस से। अगर एड्रेस से इनिशियलाइज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस कैरेक्टर में या इस कैरेक्टर वाले वेक्टर में यहाँ पे कोई भी चेंजेस परफॉर्म किए हैं, तो वो ओरिजिनल कैरेक्टर वाले वेक्टर में भी हो रहे हैं, ठीक है। ओके, यही एक बहुत बड़ा कैच था। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो अपन वीडियो में आगे उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम की समझ में नहीं आई है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा था क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था कि बड़े आराम से एक वेक्टर गिवन था और कुछ तो अपन ने किया और 6 रिटर्न करवाया, ये समझाओ इसका कहने का मतलब क्या था, और अपन ने क्या किया और क्यों किया और 6 कैसे आंसर आया। देखो समझे यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को ये बोल रहा है कि जैसे ए आया यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया ए आया, उसके बाद में नेक्स्ट भी ए ही आ गया, तो अपन या तो ये बोल ले कि दो बार ए आ रहा है, या फिर अपन ए ए बोल ले, जो अपन नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना कि 2 times a, ठीक है, अपन ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर ए 2 times, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वही 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 करना है अपने को, यहाँ पे जो दो बार ए आया हो उसकी जगह पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए 2 times, ऐसा करना, ए 2 लिख लो, बात वही है, बोला हाँ भैया हाँ समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। ये जो बी बी आ रहा है, इसमें देखो बी भी 2 times आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, बी 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। अब यहाँ पे सी है, वो सी 3 times आ रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे, C3, कोई डाउट है कि इसमें, बोला नहीं भैया नहीं भैया नहीं। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। कि देखो यहाँ पे क्या था पहले, कि ये पूरी की पूरी जो वेक्टर है इसकी साइज क्या आ रही थी, 7, ठीक है, अब अपने साइज घट के क्या हो चुकी है, बोला 6, ठीक है। अब सपोजिंग ये जो सी है वो यहाँ पे 3 times ना होता, वो यहाँ पे 3000 times होता, तो इसकी साइज कितनी होती, 3007, और अपनी साइज कितनी रह जाती, अपनी साइज तब भी 6 ही आती, हाँ कि ना, बोला हाँ हाँ। तो समझ में आ रहा है ना कि अपनी साइज कैसे डिक्रीज होगी, बोला हाँ भैया समझ में आ गया, तो कि साइज कैसे डिक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक बात और बताओ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे सपोज यहाँ पे डी होता, बाकी पूरा का पूरा एरे सेम है, बस यहाँ पे बीच में डी है, तो क्या होता। तो भी ऑफकोर्स ही बात है, जैसे ये है ये तो 2 है, 2 ही रहेगा, ये जो बी है 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो डी है वो 1 है, तो डी 1 आ जाएगा, ऐसा, बोले नहीं, ऐसा कब बोलते हैं अपन, डी 1 time है, बस अपन नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं ना, बस डी, हाँ, तो बस वही करना है अपने को यहाँ पे। अगर 1 time है कोई भी कैरेक्टर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपन नहीं लिखेंगे अलग से, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर अपने क्या हो गया, ए 2 times है, बी 2 times है, डी है नॉर्मली, और फिर सी है 2 times है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें, जो दोनों अपन ने बड़े आराम से देख लिया। अच्छा, लेकिन भी इसमें रिटर्न तो अपने 2 6 करवाना था, या आपने क्या किया, ये तो कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, तब बोला एक्जैक्टली, इसको ध्यान से समझो, पहले अपन ने क्या किया और क्यों किया और रिटर्न 6 कैसे करवाना है। देखो इसको ध्यान से समझो, अपन ने क्या बोला कि अपने को यही करना है, करना अपने को यही है, लेकिन जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद में क्या करोगे आप, कि अब ये जो आपका नया वेक्टर है इसको इसमें स्टोर करवाओ। जैसे इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है ना, हाँ, उसमें यहाँ पे क्या था, बोला ए, तो इसमें आपको ऐसी बात है ए ही आना चाहिए, बोला ठीक है वहां पे ए है पहले से, बट हाँ मान लो ए आ गया, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या बोला, अब इसका जो सेकेंड कैरेक्टर है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2, बोला ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर है वो क्या आना चाहिए, बी, बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर फोर्थ में 2 आना चाहिए, फिफ्थ में 3 सी आना चाहिए, और सिक्स में 3 आना चाहिए, और सेवंथ में अपन ने कुछ नहीं बोल रखा आने के लिए, तो सेवंथ में क्या आएगा, जो बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से था, कोई डाउट, बोला नहीं 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 कोई डाउट नहीं है। अपन ने क्या बोला कि इसके जो सारे के सारे प्लेसेस थे, अपन ने इनको अपडेट किया, तो फर्स्ट प्लेस आई थी 0 इंडेक्स पे, अपन ने क्या किया, जो यहाँ पे आया यानी कि ए। फिर अपन ने फर्स्ट प्लेस पे क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे 2, ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट प्लेस पे बी, फिर सी, फिर 2, फिर सी, फिर 3, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अपन ने यहाँ तक तो सेट किए, अब यहीं तक सेट किए, तो उसके बाद में क्या, बाद में से जो पहले से सेट थे वही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए, इसमें बोला क्लियर क्लियर, इतना समझ में आ गया, बोला हाँ। अब अपन ने 6 का रिटर्न करवाया है, 6 अपन ने ये रिटर्न करवाया कि अब देखो ये वाला जो अपडेटेड एरे है,
ठीक है, इसकी साइज तो वही है पुरानी एरे जितनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ, इसकी साइज तो पुरानी एरे जितनी ही है, लेकिन अपन ने अपडेट कहाँ तक किया है, बोला यहीं तक किया है, और यहीं तक में अपना पूरा एरे कंक्लूड हो गया, यहीं तक में अपन ने पूरा एरे का आंसर दे दिया कि अब इसमें सी आए चाहे डी आए चाहे कुछ ही आए, अपन ने आंसर यहीं तक दिया है, मतलब ये आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ क्लियर है। तो बस सिक्स क्या है, इस अपडेटेड एरे की साइज है, इस अपडेटेड एरे की साइज है, सिक्स और कुछ भी नहीं है, क्लियर है। बोला हाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला है, बोला एग्जैक्टली बस इतना ही क्वेश्चन था, मतलब ये तो सिर्फ आपने समझाया है, बोला एग्जैक्टली इसी को इम्प्लीमेंट करना था, कुछ भी नहीं करना। देखो अपन क्या करेंगे, नॉर्मली चलेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या बोला, इनिशियली तो अपना ए आया, ठीक है, ए आते ही अपने को पता है जो भी वर्ड आ रहा है, जो भी लेटर आ रहा है, वो तो आएगा ही आएगा एक बार, बोला ठीक है। तो अपन क्या बोला, बोला ए इस स्ट्रिंग के अंदर पुश कर दो, अब चेक करते जाओ कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोला ए टू टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, टू टाइम्स, वो क्या है, ग्रेटर देन वन है। हाँ, तो ग्रेटर देन वन होते हैं अपन लिखते हैं ए के आगे टू, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर उसके बाद बी आया तो अपन बी को भी स्ट्रिंग के अंदर पुश कर देंगे, फिर अपन ने क्या बोला, बी कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, बोला टू ग्रेटर देन वन है, बोला हाँ तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सी सी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, थ्री टाइम्स, अगर मान लो यहाँ पे डी बी होता है आगे तो अपन डी बी यहाँ पे लिखते हैं, फिर डी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, बोला वन, ग्रेटर देन वन नहीं है, मतलब डी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो ऑफ कोर्स बात अपन उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, कोई डाउट, बोला नहीं। हो गया, बोला है, बोला एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे समझो अपन ने क्या किया, अपने इनिशियली काउंट कितना ले लिया, अपन बोला फ्रीक्वेंसी इनिशियली, कोई भी अगर करेक्टर आ जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी वन तो ऑटोमेटिकली हो गई है, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक वही स्ट्रिंग बना ली जिस स्ट्रिंग की अभी अभी बात कर रहे थे, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, बोला उसमें आते ही इनिशियली जो भी करेक्टर नाम के जो वेक्टर है, इसका जो भी जीरो एलिमेंट है उसको पुश कर दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ क्लियर है, आराम से पुश कर दिया अपन ने, ये उसके अंदर पुश हो चुका है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इंडेक्स फर्स्ट से चलाओ कहाँ तक, लास्ट तक, बोला ठीक है। फर्स्ट से लास्ट तक क्यों चलाया, भैया जीरो वाले को क्यों इग्नोर कर दिया आपने, क्योंकि जीरो अपन ने ऑलरेडी पुश कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि अभी जो कैरेक्टर का इंडेक्स पे अपन खड़े हैं, अभी जो कैरेक्टर के इंडेक्स पे अपन खड़े हैं, क्या वो और इसके पीछे वाला कैरेक्टर का जो इंडेक्स है, क्या वो दोनों सेम है, बोला हाँ भैया सेम है, सेम है, बोला हाँ भैया सेम है। तो अब अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एक ही, बोला टू हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अपन ने एक से क्या कर दिया इंक्रीज, अपनी इनिशियली क्या चल रही थी वन, अपन ने एक से इंक्रीज कर दी, क्या हो गई टू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बस एफ की कंडीशन ट्रू हो गई, एस में जाएगा नहीं, फिर दोबारा किस पे आया, अब आया इटरेटर इस पे भी पे, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला वापस कि क्या ये जो कैरेक्टर है, क्या ये जो कैरेक्टर, ये इसके प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल है, बोला नहीं है, ये इसके प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। तो फिर अपन ने क्या बोला, अब एल्स में आओ, एल्स में आके अपन ने क्या बोला कि पहले जो काउंट आया था, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी, क्या वो ग्रेटर देन वन थी, बोला हाँ ग्रेटर देन वन थी। तो अभी तक अपने एस में क्या स्टोर था, सिर्फ और सिर्फ ए, अभी तक एस में क्या स्टोर था, सिर्फ और सिर्फ ए, और अब क्या आ जाएगा एस में, बोला अब आ जाएगा एस में इसकी फ्रीक्वेंसी, को डाउट नहीं होना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोला टू। तो अब क्या आ चुका है इसमें ए, फिर आगे क्या आया टू, ठीक है ए टू आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने वापस क्या बोला कि वापस अब क्या करो कि जो काउंट है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको वन कर दो, हाँ, और आंसर के अंदर क्या पुश बैक कर दो, बोला बी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन वापस इटरेट करके अब किसके आएंगे, बोला बी के ऊपर, वापस अब अपना क्या हुआ कि क्या ये वाला जो अपना इंडेक्स है, क्या ये वाला इसके प्रीवियस इंडेक्स के बराबर था, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इसके बराबर था। तो अपना एक कंडीशन ट्रू हुई और अपना काउंट वापस प्लस प्लस हो गया, एंड सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। और फिर जैसे ही अपन यहाँ पे आ गए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे अपने एक बार फॉर लूप ट्रैवर्स किया, तो अपने पास ये वाली स्ट्रिंग आ चुकी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाली स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, जैसे ये वाली स्ट्रिंग आ गई है, तो फिर अगर, अच्छा ये भैया लास्ट में ये आपने काउंट को क्यों चेक किया है, देखो लास्ट में अपन ये चेक किया, मान लो जैसे अपन इटरेट करते करते लास्ट तक आ गए, ठीक है, हाँ यहाँ तक सी तक आ गए, तो सी तक आए तो अपन ने जब लास्ट वैल्यू को चेक किया, तो लास्ट वैल्यू में क्या था कि क्या इसका जो कैरेक्टर है, क्या वो उसके प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल है, मतलब ये जो सी है, क्या ये इसके प्रीवियस वाले के इक्वल है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, काउंट में तो थ्री आ गया, हाँ काउंट में तो थ्री आ गया क्या, लेकिन अपन ने कहीं पे इसको पुश करवाया, बोला नहीं करवाया, ये तो अपना फोर का लूप खत्म हो गया, अपन ने कहीं पे इसको पुश तो करवाया नहीं, बोला इसी के लिए अपन लास्ट में क्या किया है कि अगर अपना कहीं पे भी काउंट जो है लास्ट में जब अपन आया है, लास्ट वाली वैल्यू जो अपन ने ली है, तो अगर उसका जो काउंट है वो अगर ग्रेटर देन वन है तो उसको भी पुश करवा दो, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, एक फोर का लूप चलाया, फोर के लूप में क्या बोला कि ये जो कैरेक्टर वाला जो वेक्टर है, इसकी जो भी आई इंडेक्स है, तो इनिशियल से अपन स्टार्ट करें तो जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, जो अपनी स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स है वो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है, स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स आ गई, मतलब कि ए आ गई। फिर इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ये ए हट गया, और यहाँ पे क्या आ गया टू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर बी आ गया, एंड देन टू आ गया, एंड सिमिलरली इट विल गो,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि अब अपने क्या करेंगे, आंसर के जो भी साइज है अपन उसको क्या करा देंगे रिटर्न, क्योंकि अपने को वहीं तक अपना आंसर मिल चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसको अपन सबमिट करके देख लेते, बड़े आराम से सबमिट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, ये बड़े आराम से सबमिट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।